और यहाँ आपको हम खबर से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गैर मुतल्लिका अफराद की सिक्योरिटी के हवाले से अस्कुत नोटिस की समाअत हुई है। तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को अदालत में मौजूद होना चाहिए, कहा गया है चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से। गैर मुतल्लिका अफराद से सिक्योरिटी वापस लेने की क्या सूरत हाल है, आज चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया है। कुछ लोगों को सिक्योरिटी वापस लेने पर एतराज़ है, जिन लोगों को सिक्योरिटी रिस्क है वहाँ से सिक्योरिटी वापस ना लें। चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से कहा गया किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते और बगैर कायदे के सिक्योरिटी वापस नहीं मिलनी चाहिए। जिसकी जिंदगी को खतरा है उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीरे आज़म के तौर पर सिक्योरिटी दें, चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। कानून के मुताबिक जिनकी सिक्योरिटी बनती है उन्हें दें। मालूम करें असफंद यार को सिक्योरिटी मिली, चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया और कहा गया कि पंजाब में गैर मुतल्लिका अफराद को सिक्योरिटी का खर्चा 1 अरब 38 करोड़ बनता है और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस अफराद को भी सिक्योरिटी पर मामूर किया जाता है। गाड़ियों के खराजात क्या हैं, चीफ जस्टिस ने आज इस्तफसार किया। पंजाब में 4600 से ज़ायद अफराद को सिक्योरिटी वापस ले ली गई है उनसे और पुलिस ने देखना है कि किन लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिन अफराद के नाम वज़ारत दाखला ने दिए हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं। IG इस्लामाबाद ने इस पर जवाब दिया, गैर मुतल्लिका अफराद की सिक्योरिटी के मामले का दोबारा जायज़ा लेते हैं और तमाम सूबे अपने सिक्योरिटी के कवायद बना लें, सिक्योरिटी भी मुनासिब होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए, एक हफ्ते में कवायद के मुताबिक फैसला करके आगाह करेंगे और ये हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में गैर मुतल्लिका अफराद की सिक्योरिटी के हवाले से अस्कुत नोटिस की समाअत हुई है। तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को अदालत में मौजूद होना चाहिए, चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से कहा गया कि गैर मुतल्लिका अफराद से सिक्योरिटी वापस लेने की क्या सूरत हाल है। कुछ लोगों को सिक्योरिटी वापस लेने पर एतराज़ है, जिन लोगों को सिक्योरिटी रिस्क है वहाँ से सिक्योरिटी वापस ना लें। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए, किसी की ज़िंदगी को ख़तरा अगर है और इस हवाले से उन्होंने कहा कि बग़ैर कायदे के सिक्योरिटी वापस नहीं मिलनी चाहिए।